थाने में रिपोर्ट लिखने के बजाय दरोगा जी शेर व शायरी करने लगे। मथुरा के एक थाने में कुछ ऐसा ही हुआ जहां फरियादी इंसाफ मांगने पहुंचा था, लेकिन थाने में मिले नशे में धुत दरोगा जी। इन्होंने फरियादी को जबरदस्ती बैठाया और शेर व शायरी सुनाने लगे। दरोगा जी की ये महफिल ऑन ड्यूटी आप भी देखिए। जिंदगी नहीं होती, मौत की धमकियां मिल रही है मुझे, मौत क्या जिंदगी नहीं होती। जज्बात उमड़ रहे हैं, वाहवाही हो रही है, क्या है? तालियां भी बज रही हैं, ये पत्थर और बजे भी क्यों ना, साहब पर शेर व शायरी का खुमार जो छाया है। नाम है मवासी लाल और पहचान है मथुरा के गोवर्धन थाने में उप निरीक्षक। जब एक फरियादी अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंचा तो पाया कि दरोगा साहब पर शराब का नशा सवार था, लेकिन उन्होंने कोई बेअदबी नहीं की, बस फरियादी को बैठाया और दर्द भरे नगमे सुनाने लगे। ये पत्थर दुनिया जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या बात है वो बात नहीं समझती, तना तना चांद सितारों के बीच, तना तो चांद सितारों के बीच में है, मगर ये रात चांद की तकलीफ नहीं समझती। लगता है मानो दरोगा जी के दिल का कोई टुकड़ा टूटा है जो इतने दर्द भरे अल्फाज जुबान से निकल रहे हैं। और टूटा वही सहारा जिसमें गरूर था, वो तो हमसे बिछड़ के जैल के हो गए, हम तना के तना अकेले के अकेले। नशे में चूर दरोगा साहब ने तो महफिल जमा दी, लेकिन अगर ये वीडियो उनके आला अफसरों तक पहुंचा तो मुमकिन है कि शेर व शायरी का सारा भूत सिर से उतर जाए। टीम न्यूज़ नेशन।